ज्यादा किथर से लेकर और बाकी इस तरह की जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, जो नाव नाव साढ़े साढ़े नाव हजार की फुट की बुलंदी से आए हुए हैं यहाँ, उनका खास तौर से मशहूर। पंजवा का और मेरा रिश्ता गुज़िश्ता 45 बरसों से था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तालीम हासिल करके जिस तरह आज बीजेपी की हुकूमत बनी, उस तरह 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत बनी थी। इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में हार गई थी, अपना इलेक्शन भी हार गई थी, संजय गांधी भी इलेक्शन हार गए थे और कांग्रेस भी हुकूमत हार गई। उस वक्त दो पार्टियों का बहुत जोर था, जनता पार्टी का और नेशन कांग्रेस, और ऐसे हालात में मुझे कांग्रेस का यहां टिकट दिया। पहली दफा में भंजवा में आया था, उस वक्त भद्रवा बलिसा रिजर्व थी, वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो यहां से इलेक्शन लड़ा। हार हुई, बहुत बुरी हार हुई, और पूरे हिंदुस्तान में ही कांग्रेस की हार हुई, पूरे स्टेट में हार हुई। हमारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, वो दो जगह से इलेक्शन लड़े और दोनों जगह से हार गए। तो इस तरह के हालात उस वक्त थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि इन 45 वर्षों में हमारे और आपके ताल्लुकात बराबर रहे। यहां मैं पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए, दूसरे उम्मीदवारों के लिए, अपने लिए आया, सुरड़ी साहब के इलेक्शन में कई बार आया, और भंजवा के हमारे गुजर भाई, कश्मीरी भाई, हिंदू भाई, सबका बराबर